हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम टू रिटर्न्स मास्टर। स्वागत है आप सभी का रिटर्न्स मास्टर में। मैं हूं शुभम। आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर जैसे दिख रहा होगा, पी से पेरीमीटर वर्ड बना हुआ है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स को प्लस करने पर पेरीमीटर आ जाता है। मगर किसकी साइड प्लस करनी है? किसी क्लोज्ड फिगर की। क्लोज फिगर कैसी भी हो सकती है, वो ट्रायंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, रोम्बस और भी बहुत सारी। इन सब की साइड्स को प्लस करने पर पेरीमीटर आ जाता है। लिखते हैं पेरीमीटर रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका एग्जांपल दूंगा एक बार का, जो एक रेक्टेंगल शेप में है। ये एक पार्क है रेक्टेंगल शेप में। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना क्यों है और क्या जरूरत है? अगर कह दिया जाए इस पार्क के चारों ओर फेंसिंग करनी है, बाड़ लगानी है, कोई तार लगानी है, तो हमें इस एरिया को निकालना होगा। इसके चारों ओर हमें तार लगानी है या फेंसिंग करनी है, तो हमें पता होना चाहिए हमें कितनी लंबी तार चाहिए। हमें पता करना होगा इसके साइड में कितनी लंबी तार लगेगी, उसी के बेस पर हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अब इसका कैसे पता लगेगा उसे भी देखते हैं। पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है? छोटी किस साइड को लेंथ कहा जाता है, किस साइड को ब्रेथ कहा जाता है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेता हूं। इस साइड को लेंथ कहा जाता है, इसे ब्रेथ, इसे ब्रेथ कहा जाता है, इसे लेंथ कहा जाता है। यह एक रेक्टेंगल है। स्क्वायर के अंदर सभी साइड्स इक्वल होती है, उसे भी देखते हैं। लेकिन अब देखते हैं ये लेंथ और ये दोनों इक्वल है, यानी यहाँ लेंथ जो होगी वही लेंथ यहाँ होगी, इसी हिसाब से ब्रेथ जो यहाँ होगी वही यहाँ होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं इसका पेरीमीटर कैसे निकाला जाए। तो चलिए अब बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर कैसे निकाला जाए रेक्टेंगल का? आप इसकी जो चारों साइड्स हैं चारों को प्लस कर दे तो उससे पेरीमीटर निकल जाएगा। तो इसकी चारों साइड्स हैं बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल, यानी दो एल और दो बी। अब ये लाइट टर्म्स हैं, ये भी लाइट टर्म्स हैं, इन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। एल प्लस एल यानी टू एल प्लस टू बी। अब इसमें से, इस इक्वेशन में से टू कॉमन निकाल लिया जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचा? एल प्लस बी। यही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। इसी हिसाब से स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं। बस ये पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जिसके अंदर दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ आर रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर, breadth of a rectangle is 5 cm।
हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, तो चलिए पेरीमीटर निकाल लेते हैं। 2 इंटू एल की जगह 8, यही फॉर्मूला लगेगा, प्लस डी की जगह 5। 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 13। 13 टू जा 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ चुका है। इसे चेक भी कर सकते हैं, 8, 8, 5 and 5, 5 and 5 10, 10, 8 plus 8 16, 16 plus 10 26। जी हाँ, यही है इसका फॉर्मूला, आप भी चेक कर सकते हैं अलग एग्जांपल्स लेके। अब बात करते हैं स्क्वायर की, तो आइए अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर आप सभी जानते हो, अगर नहीं भी जानते हो तो एक बार बता देते हैं, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल ही होती है। अब इसका पैरामीटर चेक करते हैं, इसकी सारी साइड इक्वल है, इसलिए अगर हम इसकी एक साइड को ए लिखेंगे, ये भी इक्वल होगी, इसे भी ए लिख दिया जाएगा, इसे भी, इसे भी। अब इसका पैरामीटर पैरामीटर निकाल देते हैं। पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स को प्लस कर देते हैं। क्या बन गया, 4 टाइम्स ए। ये पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है। इसका एग्जांपल देख ले, इफ ए, ए का मतलब साइड है, अगर ए 10 सेंटीमीटर है तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बताइए, 4 टाइम्स 10 क्या आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। यानी अगर ए की जगह 10 कर दिया जाए, इसकी जगह 10 कर दिया जाए, तो 10, 10, 10, 10 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख, अब बात कर लेते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल भी सेम उन्हीं की तरह है, अगर इसकी एक साइड एस है, एस एस, ये केस इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। अगर आप ट्रायंगल के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो मेरी पहले भी वीडियो आ चुकी है ट्रायंगल पे, एक बार उसको चेक कीजिए। तो चलिए बात करते हैं ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होगा। सिंपली एस प्लस एस प्लस एस, 3 टाइम्स एस। ये तो बात रही इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अगर मैं सिंपली बात करूं ऐसी ट्रायंगल की जिसकी साइड सेम हो या ना हो इसका हमें नहीं पता, तो उसको कैसे करेंगे, ये ए होगी साइड, ये बी, ये सी। सिंपली ए प्लस बी प्लस सी, पैरामीटर का मतलब है साइडों को प्लस करना, इन सभी साइडों को जोड़ना है। अगर हम अंदर की बात करना चाहते हैं तो एरिया अलग कंसेप्ट है। अगर हमें अंदर की एरिया निकालना है तो इसे तो एरिया ही कह देंगे, अगर बाहर की साइड्स इन पर काम करेंगे तो पैरामीटर है। तो चलिए ट्रायंगल के बाद देख लेते हैं ट्रैपीजियम एंड रोम्बस। अब देखते हैं ट्रैपीजियम एंड रोम्बस, अगर इनका पैरामीटर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सेम वही केस है, कुछ नहीं करना, सभी साइडों को प्लस करते चलेंगे। ये तो बात रही पैरामीटर ऑफ ट्रैपीजियम। रोम्बस, रोम्बस एक ऐसी शेप है जो थोड़ी थोड़ी रेक्टेंगल की तरह ही होती है, इसकी पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए हम इसको वाई लिख देंगे, इसको एक्स लिख देंगे। ये मैंने आप लोगों को बताने के लिए अलग लिखे थे, तो चलिए देखते हैं। एक्स टू एक्स प्लस टू वाई, टू टाइम्स एक्स प्लस वाई, ये हो गया पैरामीटर रोम्बस का। रोम्बस का पैरामीटर और रेक्टेंगल का पैरामीटर सेम साइज होता है।